कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, विधानसभा चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी को एक और चुनाव में तगड़ा झटका लगा है। इस चुनाव नतीजों में कांग्रेस बाजी मारते हुए सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। अकेले कांग्रेस ने आधे से ज्यादा सीटों पर जबरदस्त जीत दर्ज की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को और अन्य पार्टियों को तगड़ा झटका दिया है। जी हां दोस्तों, किस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, वहीं कांग्रेस इस चुनाव में नंबर वन की पार्टी बनकर उभरी है। आपको डिटेल से जानकारी देंगे। हालांकि आपको बता दें, यह चुनाव ईवीएम से हुआ है या फिर बैलेट पेपर से हुआ है, इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन हमारे देश और राज्यों में होने वाले सभी चुनाव निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए, चाहे देश में या उस राज्य में किसी भी दल की सरकार हो। अगर आप मेरी राय से सहमत है तो अपना समर्थन दर्ज करने के लिए लाइक करें इस वीडियो को, साथ ही कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। इसके साथ ही वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। जी हां दोस्तों, पिछले दिनों हिमाचल नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने उन्हीं के गढ़ में तगड़ा झटका देते हुए 4 में से 2 जगहों पर जीत दर्ज की थी। अब एक बार फिर जिला परिषद चुनाव जीतकर कांग्रेस बड़ी पार्टी बन गई है। जी आपको बता दें, मेघालय में हाल ही में जिला परिषद के चुनाव हुए थे। एनएचपी की अगुवाई वाली जीएचडीसी का चुनाव इसी महीने हुआ था। आपको बता दें, इस जिला परिषद में 29 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी महज 2 सीटें ही जीतने में कामयाब हो पाई। आपको बता दें, मेघालय में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से एनपीपी की सरकार है। आपको बता दें, मेघालय जिला परिषद की 29 सीटों में से क्रमशः कांग्रेस के खाते में 12 सीटें गई हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 29 सीटों में से महज 2 सीटों पर ही जीत मिली है, जबकि सत्तासीन पार्टी एनपीपी के खाते में 29 में से 11 सीटें गई हैं। वहीं लोकल पार्टी यूडीपी के खाते में कुछ भी नहीं जा पाया है। वहीं जीएनपी के खाते में 1 सीट गई है। एनसीपी भी खाता नहीं खोल पाई। वहीं निर्दलीय और अदर के खाते में 29 में से 3 सीटें गई हैं। माना जा रहा है कि जिला परिषद के चुनाव में कांग्रेस के लिए यह जीत किसी संजीवनी से कम नहीं है, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी भी कांग्रेस के पीछे पीछे लगी हुई थी। हालांकि आपको बता दें, 2018 के विधानसभा चुनाव में मेघालय में कांग्रेस ने 21 सीटें जीती थी। 60 सीटों वाली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को महज 2 सीटें ही मिली थी और एनपीपी को 19 सीटें मिली थी और अन्य पार्टियों को भी 6-2, 4-1 सीटें मिली थी। हालांकि कांग्रेस बहुमत के आंकड़े से 10 सीट दूर रह गई थी, जिसके बाद सरकार बनाने में नाकामयाब रह गई थी। वहीं एनपीपी के पास 19 विधायक थे। भारतीय जनता पार्टी ने इस पार्टी को समर्थन किया और अन्य पार्टियों ने भी अपना समर्थन दिया, जिसके बाद संख्या बल 34 पहुंच गया। लेकिन एक बार फिर कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के तरह ही मेघालय जिला परिषद चुनाव में भी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है।